नमस्कार दोस्तों, दिस इज सपन चौधरी। आई एम बैक विथ माई प्रोग्राम केबिल वाला। आज का मेरा टॉपिक्स है पे चैनल ट्रांसमिशन एज फ्री टू एयर इन डीडी फ्री डिश। ये मेरा आज का सब्जेक्ट है। देखिए, ये बात लेके बहुत दिनों से बहुत कुछ बात चल रहा था, बात हो भी रहा है केबिल ऑपरेटर के अंदर में, और ये पूरा जो डिस्कशन चल रहा है वो व्हाट्सएप ग्रुप में मेनली। अब नेचुरली सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप में बात करने से तो नहीं होगा, इसके बीच में दो एक ऑर्गेनाइजेशन केबिल ऑपरेटर कुछ काम किया, लेकिन उसके इम्पैक्ट गवर्नमेंट के ऊपर जा नहीं रहा ठीक से। तो हम जो समझता है, मेरे को जो समझ में आता है, वो मैं ये चीज समझता हूँ, ये केबिल ऑपरेटर का जितना ऑर्गेनाइजेशन है उस काम करने का उसका तरीका, वो कॉरपोरेट सेक्टर में एक बात है मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ बहुत कुछ काम करने पड़ेगा, उस हिसाब से करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग जिस हिसाब से काम करते, एक काम के बाद दूसरा काम, उसके बाद थर्ड काम, तो ऐसे होगा नहीं, इसका कोई स्कोप नहीं है। जो भी करने पड़ेगा एक साथ, तीन चार पाँच मुद्दा लेके एक साथ काम करने पड़ेगा। देखिए, ब्रॉडकास्टर वो लोग अपना चैनल पे चैनल चलाता है केबल टीवी डीटीएच में, सर डीपीओ में एज पर लॉ। अब वही चैनल डीडी फ्री डिश में वो लोग फ्री टू एयर चला रहा है, इसके अंदर तो कोई लॉजिक नहीं है, तो सरासर ये गलत है और इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ। अब कुछ बोलने वाला नहीं है, क्योंकि ये काम, ये बात लेकर अगर किसी के पास बात किया जा रहा है, जो हम लोग का रेगुलेटर बॉडी या ट्राई या मिनिस्ट्री में MIB, किसी का तरफ से कोई प्रॉपर फीडबैक ही नहीं आ रहा। अब ये चीज लेके बात करने करे उससे पहले हम आपको, आप लोगों को कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, कौन ब्रॉडकास्टर का कौन चैनल फ्री टू एयर में डीडी फ्री डिश में चल रहा है, एक बार उसका स्लाइड देख लेते हैं। थोड़ा पहले जो बता रहे थे, ये जो स्लाइड हम लोग देखे हैं, ये ऑल आर पी चैनल, लो प्राइस पे चैनल, वो डीडी फ्री डिश में फ्री टू एयर चल रहा है, जो कि इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चलना चाहिए था। कोई भी डीपीओ में अगर कोई पे चैनल चलेगा एज पर लॉ, वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में चलना चाहिए, लेकिन वही पे चैनल डीडी फ्री डिश में खुलेआम एज ए फ्री टू एयर चल रहा। तो क्यों चल रहा है, काहे चल रहा है, इसका जवाब खोजने का कोशिश कीजिएगा, आपको जवाब नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री रेगुलेटर जो है ट्राई, मिनिस्ट्री है MIB, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, सब चुप। अगर कोई चीटी किसी के पास जाता है, वो चीटी क्या होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरा डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड किया जा रहा है, इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा। देखिए, MIB मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, उसका काम क्या है, वो रूल्स रेगुलेशन फॉर्मेशन करता है, उसके बाद नोटिफिकेशन वो एप्लीकेशन, ये काम वो देखते हैं। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका काम है जो आइन बनता है वो सही तरह के एप्लीकेशन हो रहा कि नहीं, इम्प्लीमेंट हो रहा कि सब मान रहा कि नहीं, ये देखना है उनका काम है। अब अगर ये दो बॉडी काम करता है ये इंडस्ट्री को लेकर के, तब पे चैनल जब फ्री डिश में चल रहा है फ्री टू एयर, वो क्यों नहीं दिख रहा? अब MIB के पास इसका कोई जवाब नहीं है, लेटर भेजो, वो लेटर चला जाएगा ट्राई के पास। अब ट्राई के पास जाएगा, ट्राई बोलेगा डीडी फ्रीस इज कंट्रोल्ड बाई प्रसार भारती, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, बोल के वो अपना काम छोड़ देता है, कोई बोलने वाला नहीं है। बात ऐसा है, वो ऑटोनोमस बॉडी हो या कंट्रोल बॉडी, लॉ ऑफ द लैंड वो तो उसके ऊपर भी जाएगा, उसको भी मानने पड़ेगा। अब सबसे बड़ा मजा का बात ये है, डीडी फ्रीस फ्री डिश जो चलाता है प्रसार भारती, उसका गवर्निंग बॉडी है। अब उस गवर्निंग बॉडी के अंदर एक मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का नॉमिनेटेड ऑफिशियल भी वहाँ उसके अंदर है। अब सोचिए एक बार, जहाँ पे
मिनिस्ट्री का ऑफिशियल साइट, उसके बाद भी वहाँ पे लॉ तोड़ करके काम हो रहा है, और अगर कोई उसको लेकर कोई बात उठाता भी उसका कि जवाब ठीक से नहीं मिलता। ये एक सर्कस चल रहा है, इसके अंदर में बहुत गहरा पॉलिटिक्स है। अब ये काम ये चीज सलटाने के लिए उसे व्हाट्सएप ग्रुप में तो बात करने से नहीं चलेगा। केबल ऑपरेटर का जितना ऑर्गेनाइजेशन का वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में वो कदम रखने पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा बात मैं बोलूँ, थोड़ा सुनिएगा। हर डीटीएच ऑपरेटर इसका कंप्लेंट किया है, मिनिस्ट्री में भी किया, ट्राई में भी किया है, एमएसओ लोग वो भी किया है, वो लोग भी अपना काम किया है, बट रिजल्ट क्या है? रिजल्ट इज बिग जीरो। क्योंकि अभी जो पोजीशन है ये तो अभी लॉ का पास जाएगा, हर आदमी लॉ का रिफ्यूज करेगा। अब मेरे ख्याल से वो जो नेशनल केबल ऑपरेटर का कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, लोग भी वो आइन को लेकर के कुछ आगे कदम लेने वाला है। अब क्वेश्चन ये है, ये सब बंद कैसे होगा, कैसे बंद करेगा? रेगुलेटर है, मिनिस्टर है, तभी भी बंद होना था, बंद कैसे करेंगे? देखिए, इसके अंदर जो सिचुएशन में काम होता है, डीडी फ्री डिश प्रसार भारती वो चैनल का ऑक्शन करता है, स्लॉट बेचता है, और वही स्लॉट ब्रॉडकास्टर लोग खरीद रहा है, और खरीद करके लो प्राइस पे चैनल अपना डीडी फ्री में स्लॉट खरीद के चालू करता है और फ्री चैनल हिसाब से चलाता है। इसमें दो पार्टी का इसमें बेनिफिट है। एक नंबर, अब फ्री टू एयर चैनल चलाने का कारण केबल टीवी और डीटीएच के बाहर में डीडी फ्री डिश में 4 करोड़ कनेक्टिविटी है। तो फ्री डिश का थ्रू अगर फ्री टू एयर चैनल कोई चलाएगा, वो 4 करोड़ कंज्यूमर के पास पहुंच गया। अब कंज्यूमर अगर पहुंच गया, उसका आईबॉल अगर मिल गया, उसका इफेक्ट आ जाता है एड रेवेन्यू में। अभी प्लानिंग ऐसा है, 400 करोड़ का जो भी एड रेवेन्यू मिलता है फ्री टू एयर चैनल बना करके, उसको अभी 1200 करोड़ बना दो। ये प्रोग्राम में पे चैनल भी फ्री टू एयर चैनल करके अभी डीडी फ्रीज में चल रहा है। उल्टा साइड में प्रसार भारती को तो स्लॉट बेच के पैसा आता है, उसका क्या प्रॉब्लम है? दोनों अपना अपना हिसाब लगा के बैठा हुआ है। अब बात ऐसा है, ये खेला कब बंद होगा, तो कैसे बंद होगा, कौन बंद करेगा, ये एक बड़ा किस्सा है, बहुत क्वेश्चंस है। तो ये वाला थोड़ा साइड में रखते हैं, बाद में बात कर सकते हैं हम लोग। अब अदर साइड लेके हम बात करना चाहता हूँ। देखिए, केबल ऑपरेटर होकर के जिस चैनल को हम लोग पैसा देता है ब्रॉडकास्टर वही चैनल दूसरा प्लेटफॉर्म में फ्री टू एयर कैसे चलाएगा, क्यों चलाएगा? ये बात केबल ऑपरेटर का तरफ से ब्रॉडकास्टर के पास प्रोटेस्ट नहीं क्यों जा रहा है, क्यों केबल ऑपरेटर का रिप्रेजेंटेशन ब्रॉडकास्टर के पास नहीं जाएगा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? अब केबल ऑपरेटर जो ऑर्गेनाइजेशन है क्या सोच रहा है, कोई दूसरा कोई ये काम कर देगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई आगे मैजिक स्टिक लगा देगा, काम बन जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, चुपचाप बैठिएगा या कुछ अलग से कुछ कर, काम हम लोग कर सके, थोड़ा सोचिए, अप्लाई योर माइंड, बिकॉज नथिंग हैपेंस, यू हैव टू मेक इट हैपन।